आज़ादी के अमृत महोत्सव शुरू है और इसी को देखते हुए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी आज से हो गई है। स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से और कितना महत्वपूर्ण? देश के अंदर पहली बार पिछले 8 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 की पहले क्या स्थिति थी, 2014 से अब देश के लिए पूरे विश्व में देश का एक सम्मान बढ़ा है। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आया है तो भोलेनाथ का अभिषेक किया है, गंगा आरती किया है, अक्षरधाम घूमा है और एक तरह की देश से परिचित लोगों को ठीक ढंग से करवाए करें कि देश पूरे दुनिया के अंदर योग स्वीकार किया है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए बलिदान किया है, जिस प्रकार अपना जीवन देश के सम्मान के लिए जिया, 15 अगस्त के दिन और 13, 14, 15 ऐसा आदरणीय मोदी जी का आह्वान है, निर्णय भी है कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा, इसमें सरकार भी, पार्टी भी, समाज के सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए, जो देश के लिए अपना जीवन दिया उनके सम्मान के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए अपने छत के ऊपर, अपने मकान के ऊपर तिरंगा झंडा फहराना है और शहीदों को नमन करना है। ये अभियान चल रहा है और पूरी इस आंदोलन में जनता जनार्दन स्वयं आगे है और जनता जनार्दन ने स्वीकार किया है और एक तरह का ये झंडा जो घर पर होगा, झंडा लेकर लोग जाएंगे, तिरंगा झंडा एक उत्साह के साथ जनता जनार्दन स्वयं आ गए। जनता का साथ तो है लेकिन क्या विपक्षियों से भी कोई अपील करेंगे कि वो भी मनाए इसे? वो भी उसी में आते हैं, सभी प्रदेशवासियों से, सभी प्रदेशवासी। देखिए, पार्टी दल राजनीति पद से ऊपर है, यह राजनीतिक विचारधारा ऊपर है, यह राष्ट्रवाद का मुद्दा। जब राष्ट्रवाद का विषय आता है तो पूरे देश को, पूरा समाज को, सभी प्रदेशवासियों को खड़ा होना था, उसमें दल नहीं देखा जाता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सदन देव सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी दल को ये नहीं देखना है, सबको मिलकर के इस त्यौहार को मनाना है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।